Hello students, welcome to our channel. I hope all of you are fit and fine at your places. So, आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है 9th standard का mathematics का पहला chapter and that is the number system. So, जब भी हम mathematics की बात करते हैं तो mathematics की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है numbers. So, इसीलिए हम जो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम, मतलब किस टाइप के नंबर्स होते हैं, किस तरीके से ये बने हुए हैं, इनका क्या एप्लीकेशन है रियल लाइफ के अंदर में, कहाँ इसे हम यूज करते हैं. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम. सो सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी इन 6th स्टैंडर्ड एंड 7th स्टैंडर्ड के अंदर में, जब हमने पहले बार नंबर्स पढ़ना शुरू जब किया था तो पहला टाइप ऑफ नंबर हमने जो पढ़ा था वो था नेचुरल नंबर्स. सो जब हम ये नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो इस नेचुरल नंबर्स का मीनिंग क्या है, ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब जो नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1. तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स, द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, सो 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी. सो ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक के जाते हैं, इन सारे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. सो इन नेचुरल नंबर्स को लिखने के लिए डिनोट किया जाता है अल्फाबेट N के साथ में. अगर कहीं पे कैपिटल N अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको क्लियर समझ जाना है कि ये नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है. अब आते हैं कि भाई नेचुरल नंबर्स हमने जब 6th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था तो नेचुरल नंबर्स का बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसका यूज है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो नेचुरल नंबर्स जो हम लोगों ने इन्वेंट करे थे उनका सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन था वो था काउंटिंग. मतलब ये जो नंबर्स है वो किस लिए यूज करते थे, काउंटिंग पर्पस के लिए अगर यूज करते थे. और इसी कारण से इन नंबर्स को हम लोग काउंटेबल नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज अ काउंटेबल नंबर्स. सो यहाँ पे जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो इन नंबर्स जो है, दीज नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नाम दिया है नेचुरल, मतलब इन नंबर्स को हम जो है नेचुरली सीखते जाते हैं. मतलब इसे हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं, हम नेचर में अराउंड हमारे आजू बाजू बहुत सारी चीजें देखते हैं और जब उन चीजों को हमें काउंट करना होता है तो काउंटिंग करने के लिए यही नंबर्स हमारे पास में सबसे पहले आते हैं कि 1 2 3 4 5 6. तो इस तरीके से हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है नेचुरल नंबर्स होता है. तो नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर डिनोटेड बाय द कैपिटल N एंड दे आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड दे गो अप टू इंफिनिटी एंड द मेन एप्लीकेशन ऑफ द नेचुरल नंबर इज फॉर द काउंटिंग पर्पस. सो चलते हैं अपने सेकंड नंबर्स की तरफ. ये भी हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, उसका नाम था होल नंबर्स. सो जब हम होल नंबर्स की बात करते हैं तो होल नंबर्स में क्या था, नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहे थे, मतलब काउंटिंग 1 से शुरू हो रही थी. लेकिन अगर मेरे पास में कुछ चीज काउंट करने के लिए नहीं है तो उसे मैं किस तरीके से काउंट कर पाऊंगा, इफ आई हैव आई डोंट हैव एनीथिंग. जैसे मेरे पास में भी एरोप्लेन नहीं है तो मैं इसको काउंट कैसे करूंगा, काउंट नंबर्स के फॉर्म में कैसे बताऊंगा. तो वहां पे हमें एक नए नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ी और वो नंबर था हमारा 0, जो कि नेचुरल नंबर्स के अंदर में अवेलेबल नहीं था. तो इसीलिए फिर 0 का इन्वेंशन हुआ और जब उन 0 को नेचुरल नंबर के साथ में ज्वाइन कर दिया गया तो एक नए कैटेगरी का नंबर बन गया और उस नंबर को नाम दिया गया होल नंबर. इसीलिए जब हम होल नंबर्स पढ़ते हैं तो होल नंबर्स का डेफिनेशन क्या होता है, द होल नंबर्स आर द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 1 2 3 4 एंड दे गो अप टू इंफिनिटी. दैट मींस द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड विच गोज अप टू इंफिनिटी, दे आर नोन एज अ होल numbers, and the whole numbers are represented with the alphabet capital W. Capital W अगर लिख दिया इसका मतलब आपने सारे whole numbers वहाँ पे लिख दिए हैं. तो अगर इसका अगर application की बात करेंगे तो इसका भी application main counting purpose के लिए ही था, but इसमें एक difference क्या हुआ, ये whole numbers है जो natural numbers में जब हम 0 add कर देंगे, मतलब जो हमारे natural numbers से, natural numbers क्या 1 2 3 4 5 6 up to infinity, जब उनमें एक नया number add कर दिया 0 तो वो बन गया होल नंबर. क्लियर है यहां तक के, सबको समझ में आ जाना चाहिए. नेचुरल नंबर, होल नंबर, डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, 0 का ही है. मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर के अंदर प्रेजेंट है. देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन से नंबर है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक के, और यही सारे नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स है. तो फ्रॉम दीज फर्स्ट टू पॉइंट्स हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. ये हमने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में सीखा है, इसलिए मैं थोड़ा क्विक रीकैप ले रहा हूं ताकि हम आगे के टॉपिक्स को जल्दी पढ़ पाए. सो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर्स.
अब यहां तक की तो बात सही थी कि भाई नेचुरल नंबर्स हमने लिख दिए, होल नंबर लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद में क्या हुआ, एक नए कैटेगरी के नंबर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी। अब नए कैटेगरी के नंबर का रिक्वायरमेंट क्यों आया उसको बाद में समझेंगे, पहले समझ लेते कि वो नंबर कौन से हैं। इसके बाद में थर्ड कैटेगरी आती है, वो होता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स होते क्या है थोड़ा समझ लेंगे। सो इंटीजर्स क्या है, सारे की सारे होल नंबर्स, सारे की सारे होल नंबर्स और उनके नेगेटिव। तो सारे की सारे होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, मतलब जितने भी होल नंबर्स है वो नंबर्स और उसके साथ में उनका नेगेटिव, नेगेटिव इन द सेंस क्या, उस नंबर के सामने माइनस साइन लगा देने से वो नंबर नेगेटिव बन जाता है। तो होल नंबर्स कौन से थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी। तो अब इन नंबर के सामने जब हम माइनस साइन लगा देंगे तो नंबर कैसे बन जाएंगे, -1, -2, -3, -4 अप टू इंफिनिटी। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉजिटिव होल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स आर नोन एज अ इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स की अगर कैटेगरी की बात करेंगे तो इंटीजर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक है नेगेटिव इंटीजर, उसके बाद में दूसरे हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर। और यहां पे अगर एक नंबर हम ध्यान से देखेंगे, ये है जीरो, तो जीरो इज नोन एज अ न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल क्यों, क्योंकि जीरो के सामने ना तो हम कभी प्लस साइन लिखते हैं ना कभी हम माइनस साइन लिखते हैं, मतलब वो ना तो पॉजिटिव नंबर्स में काउंट होता है ना ही वो नेगेटिव नंबर्स में काउंट होता है। तो अगर इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर्स कैसे नंबर है, इंटीजर कंसिस्ट ऑफ ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड द जीरो। दीज नंबर्स आर नोन एज अ इंटीजर्स। और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल आई का यूज करते हैं या फिर हम कैपिटल जेड का यूज करते हैं। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे यहां पे, तो हम यहां पे देख सकते हैं कि इंटीजर्स की कैटेगरी में जीरो से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर्स अवेलेबल हैं। और जीरो से लेकर इंफिनिटी तक के जो नंबर्स हैं वो नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्योंकि जितने भी होल नंबर्स है वो सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर में अवेलेबल है। और हमने अभी पहले देखा था कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है और सारे होल नंबर इंटीजर है। इसका मतलब क्या हो गया कि सारे नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स की कैटेगरी में आ गए। ठीक है ना, ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना सब लोग कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर 5, अब किसी ने पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज दिस, तो अगर हम 5 की बात करेंगे तो 5 इज अ नेचुरल नंबर आल्सो, इट इज अ होल नंबर आल्सो, इट इज अ इंटीजर आल्सो। बिकॉज देखो 5 यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा। लेकिन अगर किसी ने बात किया जीरो, जीरो क्या है, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। तो जीरो क्या होगा, सिर्फ हमारा होल नंबर होगा और सिर्फ हमारा इंटीजर होगा। अगर किसी ने पूछा कि -2 क्या है, तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव होते ही नहीं है, तो नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर में भी नेगेटिव नहीं होते। तो अगर -2 की बात करेंगे तो -2 सिर्फ इंटीजर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सो आई होप यहां तक हमें ये तीन टॉपिक क्लियर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। इसके बाद में जब जाते हैं यहां तक के, जब ये तीन नंबर को हम लोग देखते हैं तो ये तीनों नंबर्स की जो कैटेगरी है ये कंप्लीट नंबर्स के फॉर्म में है। कंप्लीट नंबर मतलब क्या, जब भी कोई चीज कंप्लीट फॉर्म में हो, कोई पार्ट ना हो, पूरी की पूरी होल क्वांटिटी, जैसे ये पूरा 1 मार्कर, मेरे पास में टोटल 4 मार्कर्स है, तो ये टोटल कंप्लीट क्वांटिटी है। लेकिन दुनिया में हर चीज कंप्लीट नहीं होती। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम घर से स्कूल के लिए जाते हैं तो हम कंप्लीट एग्जैक्ट नंबर ऑफ किलोमीटर्स में नहीं जाते कि मैं 5 किलोमीटर गया, मैं 6 गया, 7 गया, ऐसा नहीं होगा। कई बार किसी का घर इस डिस्टेंस पे होगा कि मैं 5 किलोमीटर्स के आगे है बट 6 किलोमीटर से पहले है, मतलब 5 किलोमीटर से ज्यादा है, 6 किलोमीटर से कम है, मतलब वो कंप्लीट ना तो 5 है ना तो 6 है, दोनों के बीच में है। तो जब ऐसा दोनों के बीच वाली कैटेगरी आ गई, मतलब जहां पे हमें पूरी क्वांटिटी ना लेते हुए थोड़ा सा पार्ट लेना पड़े, तो इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया गया, उस नंबर को नाम दिया गया फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस का डेफिनेशन क्या होता है, तो फ्रैक्शंस आर द नंबर्स व्हिच आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p / q।
एंड वेयर पी एंड क्यू आर द होल नंबर्स, मतलब क्या है ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब जिसके अंदर में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो होते हैं वो हमेशा एक होल नंबर ही होंगे। मतलब इसका एग्जांपल अगर देखेंगे 2/3, 5/2, 4/7, जिसमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। अब 2 इज अ होल नंबर, यस। 3 इज अ होल नंबर, यस। होल नंबर अपॉन होल नंबर इज अ फ्रैक्शन, क्योंकि होल नंबर पी एंड क्यू आर द होल नंबर्स। यहां से एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रैक्शंस, अगर यहां पे बोला है होल नंबर्स, तो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए जो फ्रैक्शंस है हमारे वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में ही होंगे। 4/3, 2/8, 5/7, 6/12, ऊपर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब जब ये फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन अगर फ्रैक्शंस के सामने अगर माइनस साइन लगा दिया जाए तो उस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अगर फ्रैक्शन के सामने अगर मैं बात करूं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर लिखता हूं -2/3, तो अगर -2/3 की बात करूंगा तो क्या मैं इसको फ्रैक्शन बोल सकता हूं, क्या डिनोमिनेटर 3 इज अ होल नंबर बट -2 आता है क्या होल नंबर में, नहीं आता है, मतलब ये होल नंबर अपॉन होल नंबर वाला फॉर्म नहीं है। तो जब ये होल नंबर अपॉन होल नंबर नहीं है तो मतलब ये फ्रैक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा, और जब ये फ्रैक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा तो इसको हम क्या नाम से बुलाएंगे, तो उसके लिए एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया गया और उसको नाम दे दिया है रैशनल नंबर, जो कि हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड के अंदर में पहला चैप्टर पढ़ा था रैशनल नंबर, और उसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से था कि रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स बोल दिया है, इंटीजर्स मतलब क्या, मतलब पी और क्यू इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। मतलब अगर नंबर नेगेटिव में भी है तो भी हम उसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। मतलब जैसे ये 2/3 है तो 2/3 जो है ये एक रैशनल नंबर है। जब हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फ्रैक्शंस आर द पार्ट ऑफ अ रैशनल नंबर। थोड़ा इस बात को भी समझते थोड़ा सा, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल 5/7, तो 5/7 ये नंबर कौन सी कैटेगरी में आएगा, थोड़ा समझेंगे इसको। 5/7 तो 5 इज अ होल नंबर, यस इट इज अ पॉजिटिव नंबर। 7 इज अ होल नंबर, यस इट इज अ पॉजिटिव नंबर। होल नंबर अपॉन होल नंबर, होल नंबर अपॉन होल नंबर, इट इज अ फ्रैक्शन। बट 5, अब 5 की जब बात करेंगे तो ये इंटीजर में भी आएगा, बिकॉज ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। एंड 7 इज ऑल्सो इंटीजर की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज अगेन इट इज अ होल नंबर। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। तो ये एक रैशनल नंबर भी है, मतलब 5/7 फ्रैक्शन की कैटेगरी में भी आ रहा है, 5/7 रैशनल नंबर की कैटेगरी में भी आ रहा है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा समझेंगे यहां पे। देखो अभी अगर मैं नंबर लिखता हूं -2/3, और अब मैं पूछूं ये कौन सा नंबर है, -2 होल नंबर है क्या, नहीं है। -2 इज अ इंटीजर नेगेटिव नंबर, मतलब ये होल नंबर अपॉन होल नंबर नहीं है, मतलब ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। और फ्रैक्शन नहीं हो सकता तो ये कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर ही होगा। मतलब यहां से एक पॉइंट हम कंक्लूड कर सकते हैं, जैसा हमने बोला था कि फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, बट रैशनल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो रैशनल नंबर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, बिकॉज रैशनल नंबर्स में आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर, दोनों नंबर का मिक्सचर होता है ये। तो इसीलिए रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में यही डिफरेंस है, हमेशा याद रखना। अगर कोई नेगेटिव के नंबर के पी बाई क्यू फॉर्म में है तो वो हमेशा रैशनल नंबर ही होगा, और जो पॉजिटिव के फॉर्म में है तो उसको हम चाहे तो फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं और चाहे तो उसे हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो यहां तक की कैटेगरी के अंदर में हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में ये सारी चीजें पढ़ ली थी। तो अब इसके आगे का जो कंटेंट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए इस चीजों को सारे को रिवाइज कर लीजिए, और जो नेक्स्ट जो टॉपिक में हम लोग वीडियोस बनाएंगे तो वो होगा हमारे 9th स्टैंडर्ड का एक्चुअल कंटेंट की शुरुआत। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।